न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन पर व्यक्त किया शोक संवेदना, कहा जेटली जी के निधन से हुई है देश और समाज को अपूर्णीय क्षति। देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता व अधिवक्ता अरुण जेटली के निधन पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव व पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने व्यक्त किया शोक संवेदना, कहा डूब गया राजनीति का सूरज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज को एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया फर्जी, कहा कहीं नहीं है कोई ऐसी बात, दिखे कोई संदिग्ध तो पुलिस को करें सूचित, अपने माध्यम से न करें कोई कार्रवाई। मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने किया नगर निगम का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार लाने के दिए निर्देश, कहा साफ सफाई व्यवस्था के साथ छुट्टा पशुओं को पहुंचाए कान्हाउपन। मुहर्रम व गणेश पूजा त्योहारों के मद्देनजर एडीएम सिटी की अध्यक्षता में कोतवाली थाने परिसर में आयोजित हुई पीस कमेटी की बैठक, दोनों त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के दिए निर्देश, एसपी सिटी ने कहा नहीं बजेंगे डीजे। चालक को पड़ा मिर्गी का दौरा, अनियंत्रित होकर ट्रेलर मकान में घुसा, बड़ा हादसा टला, आधा दर्जन लोगों की बची जान, हादसे में एक वृद्ध हुआ घायल, दो पशुओं की हुई मौत। जिलाधिकारी के वी एन पांडेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग की बैठक, दस्तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा पल्स पोलियो महाअभियान के सफल आयोजन के दिए निर्देश, कहा कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं। लाल डिग्गी पार्क के पश्चिमी गेट पर बन रहे शौचालय के खिलाफ कांग्रेसियों ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, जताया विरोध। बासगांव थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, मौत की वजह की नहीं हो सकी पुष्टि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाटनी डिपार्टमेंट ने छात्र छात्राओं के लिए लेट बी मोटिवेशन योर इनोवेशन एंड इनोवेशन बी योर मोटिवेशन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। बेलीपार थाने में आयोजित हुआ श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम, नंदलाल का जन्म होते ही बधाइयों की गूंज और नंदलाल के जयकारों से पूरा परिसर हुआ गुंजायमान। तिवारीपुर थाने में धूमधाम से मनाएगा श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भक्ति गीत और लंगर का भी किया गया आयोजन। दुर्गाबाड़ी परिसर में त्रिकालदर्शी महायोगी बाबा लोकनाथ का बंगाली समाज ने मनाया 288वां जन्मोत्सव। कृष्ण के अवतार लेते ही भक्ति में डूबे श्रद्धालु, पूरा शहर और ग्रामीणांचल जय कन्हैया लाल के जयघोष से रहा गुंजायमान। गोरखपुर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए छात्र नेताओं ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। और इनरव्हील क्लब ऑफ गोरखपुर रेनबो का चौथा शपथ ग्रहण 25 को इनरव्हील क्लब की नवनिर्वाचित अध्यक्षा मनीषा सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी।